सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं अपना एक सिम है जो एयरटेल का, उसको बीएसएनएल में पोर्ट करवाने। मौसम कुछ इस तरह है, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और सुबह सुबह बारिश हो रही थी, देख सकते हैं यहाँ पे पानी जमा हो चुका है। तो निकलते हैं, तो हम आ चुके हैं दुकान पर जहाँ पे सिम पोर्ट होगा और भैया कह रहे हैं कि रिचार्ज होगा तभी पोर्ट होगा। तो रिचार्ज मेरे सिम में नहीं है लेकिन रिचार्ज करवाते हैं, फिर उसके बाद बोले हैं कि आना अब सीधे 20 दिन बाद रिचार्ज का 20 दिन यूज़ कर लो। तो पोर्ट तो नहीं हुआ क्योंकि उसमें रिचार्ज ही नहीं था, रिचार्ज कराए हैं, अब 20 दिन बाद आएंगे तब पोर्ट करवाएंगे, नहीं करवाएंगे जरूर। तो अभी चलते हैं घर, वहाँ चुके हैं घर, दुकान गए तो वहाँ पे बोले हैं कि रिचार्ज रहेगा तभी हो पाएगा पोर्ट, तो रिचार्ज नहीं था तो रिचार्ज कराए हैं और अब उसको 20 दिन यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ले जाकर कराएंगे पोर्ट, उससे मेरा ही फायदा होगा। और मैं इसलिए पोर्ट करा रहा हूँ कि मेरे पास दो सिम है, एक जियो का है एक एयरटेल का, तो एयरटेल का मैं पोर्ट करा रहा हूँ, बाकी जियो का नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जियो का सिम जो है मम्मी के नाम पे है और जो एयरटेल का सिम था वो मेरे नाम पे है, और बाकी वाईफाई है तो मुझे डाटा की जरूरत नहीं है लेकिन कॉलिंग का है इसलिए मैं उसको। और बीएसएनएल में क्या है कि 200 रुपये का रिचार्ज होगा और 200 रुपये का रिचार्ज होगा, 70 दिन तक वैलिड रहेगा और 1.5 GB रोज देगा, तो मैं इसमें मेरा ही फायदा है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी है, तो इसलिए उसको मैं पोर्ट करा रहा हूँ एयरटेल को, इसलिए मैं पोर्ट करा रहा हूँ बीएसएनएल में। तो बाकी अभी नहीं हो पाया लेकिन अभी 20 दिन बाद होगा, लेकिन बीएसएनएल बेस्ट होगा रे, इन जो जियो वोडाफोन और एयरटेल की कंपनी ने रिचार्ज बढ़ाया है इसलिए हम जा रहे हैं कराने एयरटेल का सिम पोर्ट बीएसएनएल में। कुछ इस तरह है, अभी टाइम हो रहा है 11, सब अपना खा पी कर एकदम दूध देकर आराम कर रही है एकदम पंखे के नीचे, लेकिन ठंडा मौसम है फिर भी फ़ैन ऑन है क्योंकि इन सबको गर्मी लग रही होगी इसलिए फ़ैन ऑन किए हैं। और बाकी अभी 11 बज रहा है तो इन सब का काम आएगा आप 4 बजे, 4 बजे इन सबको सानी पानी देंगे, फिर 6 बजे इन सबका दूध निकालेंगे बाकी। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी छत पे हैं और बहुत चपक कर धूप निकला है, मतलब अगर इसी तरह धूप रहा है 5-6 दिन तो हम लोग का ग्राउंड सूख जाएगा और क्रिकेट खेलने लायक हो जाएगा, लेकिन अभी आज ही निकला है, क्या पता शाम में बारिश होने लगे। और कैमरा की क्वालिटी ख़राब की वजह से मौसम सही से नहीं दिख रहा है कैमरे में, और बाकी मौसम सही है बिल्कुल एकदम क्लीन। अभी हम आ चुके हैं छत से नीचे और अभी आकर पंखे का हवा ले रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रहा है और अंदर से मतलब अंदर ही जो गर्मी होता है ना, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4, तो कुछ काम है मतलब सानी पानी करना रहता है शाम को, तो वही आ रहे हैं सानी पानी करने, उसके बाद फिर दूध दुहेंगे उन सबका, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे ब्लॉग में। बस मेरा डेली का तो यही ब्लॉग है, कहीं जा नहीं रहे, उन्हें परसों गए थे खिड़कियाघाट तो वहाँ का ब्लॉग बना कर डाल दिए थे, अभी 2 दिन से कहीं जा नहीं रहे हैं तो नहीं बना पा रहे ब्लॉग, तो देखते हैं अगर कहीं जाते हैं तो फिर वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो घर का ही ब्लॉग रहेगा। कुछ इस तरह मौसम है शाम का, अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं जस्ट सो गया था, मतलब 5 बजे तक जाग रहा था और उसके बाद कम नींद लग गया मुझे याद ही नहीं, तो ऐसा है कि 6 बजे गायों का दूध निकालता हूँ तो आज आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और अभी भी लेट ही हो रहा हूँ, तो अभी पहले उन सबका दूध निकाल ले, तो उन सबका पहले दूध निकालता हूँ उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो इन सब का दूध निकाल चुके हैं और इन सबको अब जा रहे हैं बांधने, इसको इस गाय को यहाँ बांधेंगे ताकि इस बच्चे को जो है ना अभी तक पी रहा है दूध अभी, इसको वहाँ तक वहाँ बांध दें क्योंकि दिक्कत होता है, अगर यहाँ बांध देंगे तो रात भर में सारा दूध पी जाएगा तो सुबह नहीं दे पाएगी। तो भाई मुझे मतलब आधा घंटा आज लेट हुआ है लेकिन कोई नहीं हो जाएगा मैंने, तो अभी थोड़ा बहुत काम बचा है इन सबका, तो वो भी काम कर लेते फटाक से, फिर उसके बाद करते आगे ब्लॉग। तो अलगा दिए इन सबको अपने अपने स्थान पे, चलते हैं नहाते हैं फिर नहा कर जाएंगे मंदिर। गाइस हम नहा लिए हैं और रात सो गाइस हम नहा लिए हैं और रेडी हैं एकदम मंदिर जाने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 7:30, चलते हैं मंदिर, मंदिर से बजरंगबली का दर्शन कर आते हैं घर। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर और छत पे आ चुके हैं जो कि बजरंगबली का मंदिर छत पे, तो आज कर बजरंगबली का दर्शन कर लिए हैं और नीचे आरती चल रही है और हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर बना रहे हैं ब्लॉग, उसके बाद अब चलते हैं घर। और ये है कुछ इस तरह बाहर से मतलब मंदिर का नज़ारा, नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस है और रात के बज चुके हैं 8, तो अब चलते हैं घर सीधा और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आ चुके हैं मंदिर से घर और अभी रात के बज चुके हैं 9, तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इसे फिर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये ब्लॉग काफ़ी छोटा बना हुआ है मुझे पता है, इसलिए पूरा देखिएगा और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय।